हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आ गया है एक सैमसंग का नया फ्रिज। और आज इस वीडियो में मैं डिटेल शेयर करने जा रहा हूँ सैमसंग कंपनी के 4 स्टार 198 लीटर्स डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं एक नए फ्रिज के मॉडल के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं इसके बॉक्स पे प्रोवाइड की गई डिटेल्स को। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फ्रिज की ये स्पेसिफिकेशन और इसका कलर है हाइड्रेंजिया प्लम। इस फ्रिज को ऑपरेट करने के लिए ज़रूरत होती है 220 से 240 वोल्ट्स की। और इस फ्रिज की एमआरपी है 20,990 रुपीज़। और इसकी रिटेल प्राइस वैरी करती है डिपेंडिंग ऑन रिटेलर्स स्कीम। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा और आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ये एक 4 स्टार फ्रिज है और 1 ईयर में अप्रॉक्स 131 पावर यूनिट्स कंज्यूम करती है। फ्रिज में हमें मिलती है 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और इसके कंप्रेसर पे प्रोवाइड की गई है 10 ईयर्स की वारंटी। इसमें लगा है डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेशर। अगर आपके यहाँ वोल्टेज की रेंज 100 वोल्ट से 300 वोल्ट के बीच में है तो अलग से स्टेबलाइजर परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप होम इन्वर्टर से कनेक्ट करके भी ऑपरेट कर सकते हैं। इस कंप्लीट डोर पे आप देख सकते हैं हैंडल प्रोवाइड किया गया है जो अट्रैक्टिव है। कुछ इस तरह से आप इसे ओपन कर सकते हैं। और इस हैंडल के नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉक प्रोवाइड किया गया है। आइए अब इस फ्रिज को सारे साइड से क्लोजली देख लेते हैं। एक अट्रैक्टिव डिज़ाइन एंड कलर का ये रेफ्रिजरेटर है। सारे साइड से क्लोजली देखने के बाद आइए अब इस फ्रिज को ओपन करते हैं और देखते हैं इसके इनसाइड व्यू को। फ्रिज को ओपन करने के बाद ये इसके इनसाइड व्यू का फर्स्ट इम्प्रेशन। आइए अब वन बाय वन सारे कंपार्टमेंट को देख लेते हैं। ये इसका फ्रीजर सेक्शन और एक छोटी सी डोर दी गई जिसे कुछ इस तरह से आप पुश करके लॉक कर सकते हैं और पुल करके ओपन किया जा सकता है। और ये इस फ्रीजर के अंदर का व्यू। फ्रीजर में कभी कभी आइस की लेवल ज़्यादा हो जाती है तो उसे निकालने के लिए आप कभी भी चाकू या नुकीली ऑब्जेक्ट्स का यूज़ न करें और हमेशा डिफ्रॉस्ट बटन का ही यूज़ करें। यहाँ पे दिया गया टेम्परेचर कंट्रोलर नॉब, कुछ इस तरह से मूव करके टेम्परेचर को सेट किया जा सकता है। इसे आप ऑफ भी कर सकते हैं। ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं 1 से लेकर 6 तक की सेटिंग दी गई है। सीज़न के अकॉर्डिंग इसे सेट करना होता है। और कभी भी आप डिफ्रॉस्ट करने के लिए या एक्सरसाइज को निकालने के लिए कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट्स का यूज़ न करें। डिफ्रॉस्ट करने के लिए हमेशा सेंटर में दी गई ब्लू बटन को एक बार प्रेस कर दें। कुछ इस तरह से ये प्रेस हो जाती है
और जब प्रोसेस कंप्लीट होती है तो बटन ऑटो रिलीज होकर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं ये चिलर ट्रे, चिलर ट्रे को ओपन करने के लिए एक ग्रिप दिया गया है और ये है इसका क्लोज व्यू। इस फ्रिज में प्रोवाइड की गई है शेल्फ, टोटल 3 शेल्फ्स प्रोवाइड की गई है। शेल्फ्स को आप कुछ इस तरह से बाहर निकाल सकते हैं, ग्लास की बनी हुई शेल्फ है और आप किसी भी स्लॉट में इसे फिक्स कर सकते हैं। यूटेंसिल्स की साइज़ अगर बड़ी हो या छोटी हो और उसके अकॉर्डिंग आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे नीचे प्रोवाइड किया गया वेजिटेबल एंड फ्रूट बॉक्स। पूरे बॉक्स में आप देख सकते हैं एक ग्रिप दी गई है और ये इसका डेप्थ। और ये इस फ्रिज की डोर साइड, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बड़ी रैक और 2 छोटी रैक दी गई है। सारी रैक्स डिटैचेबल होती है, मैंने इसका सेपरेट वीडियो बनाकर आप सबके साथ शेयर किया है। यहाँ पे 2 बॉटल की रैक दी गई है, सो टोटल 3 बड़ी रैक और 2 छोटी रैक प्रोवाइड की गई है और एक आइस ट्रे प्रोवाइड किया गया है। और ये इस फ्रिज का लॉक की, जिसकी मदद से फ्रिज को लॉक एंड अनलॉक किया जा सकता है। साथ में आप यूज़र मैनुअल एंड वारंटी पेपर देख सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि फ्रिज की कंप्लीट डिटेल्स को जानने के लिए इस मैनुअल को एक बार पढ़ लें। ये मदद करेगी फ्रिज को कैसे ऑपरेट करना या इसे कैसे मेंटेन रखना है, वो सारी डिटेल्स इस मैनुअल में दी गई है। और ये इसका वारंटी पेपर। फ्रेंड्स, ये थी सैमसंग कंपनी की 198 लीटर 4 स्टार सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, जिसे रिसेंटली लॉन्च किया गया, उसकी डिटेल्स। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जानकारी मिली होगी एक नए फ्रिज के मॉडल के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। किसी भी क्लैरिफिकेशन के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उस कमेंट के ऊपर जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।